लखनऊ में आलू किसानों ने जबरदस्त विरोध दिखाया है। रात के वक्त किसान आलू लेकर लखनऊ आए, सीएम योगी के घर, विधानसभा और राजभवन के आगे लाखों क्विंटल आलू फेंक कर चले गए। ना यूपी की खुफिया एजेंसी को भनक लगी, ना पुलिस को। लखनऊ में सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। अपनी इज्जत बचाने के लिए अफसरों ने आनंद फानंद में आलू उठवा लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी सड़क पर आलू ही आलू बिखरा हुआ नजर आ रहा है। किसान नाराज हैं क्योंकि यूपी में किसानों को आलू का प्रति किलो सिर्फ 4 रुपए का भाव मिल रहा है, जबकि मांग 10 रुपए की है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आखिर ये हुआ कैसे, रातों रात इतने किसान इतना आलू लेकर लखनऊ आए और राजभवन के सामने फेंक कर चले गए, किसी को भनक तक नहीं लगी? देखिए, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी है कि किसान यहाँ पे गन्ने जला चुके हैं, वो विधानसभा के सामने भी और राजभवन के सामने भी। इससे पहले ये भारतीय किसान यूनियन का एक गुट है, वो आज तड़के यहाँ पहुंच गया था आलू लेकर के, सब ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू लेकर के पहुंच गए थे और ये मुख्यमंत्री के घर तक जाने की कोशिश कर रहे थे। राजभवन पे आगे नहीं बढ़ पाए, विधानसभा के आगे आलू फेंक दी थी और बाद में हालांकि आलू अब उठा लिया गया कमोबेश। और ये जो स्थिति है, ये आपको बताऊं आमंद्रा की फरुखाबाद से लेकर आगरा तक जहाँ आलू की बहुत अच्छी पैदावार होती है, ये जो सड़क पे आप आलू पड़े हुए देख रहे हैं, पुराने आलू है, अभी तो नया आलू निकल रहा है। जो पुराने आलू कोल्ड स्टोरेज में थे, उन नए आलू आ जाने की वजह से पुराने आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही। किसान अपने खेत से लेकर के कोल्ड स्टोरेज से बाहर फेंक रहे हैं और वही सही कीमत की मांग को लेकर आ रही है, लखनऊ में विधानसभा तक पहुंच गए थे। जी पंकज, लेकिन इतना एक्सट्रीम कदम किसान आखिर उठा क्यों रहे हैं? क्या ये मांग पहले भी सरकार से उठाई गई है किसानों की तरफ से, आलू किसानों की तरफ से? देखिए, हर बार ऐसा होता है, ये अगर आलू की खेती को समझे तो जैसे ही नया आलू बाजार में आता है, क्योंकि आलू से बनने वाले प्रोडक्ट्स का कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है, अगर चिप्स बन जाए या कोई दूसरे प्रोडक्ट बन जाए, फरुखाबाद से लेकर आगरा तक जो कि आलू के पैदावार का एक बहुत बड़ा बेल्ट है हिंदुस्तान में, तो ये होता है कि नया आलू आ जाने के बाद पुराने आलू को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। कोल्ड स्टोरेज तक का भाड़ा तक किसान नहीं दे पाने की स्थिति में होते हैं, इसीलिए सड़क पर फेंक देते हैं, खेत पर फेंक देते हैं। और ये सालों से किसानों की मांग चली आ रही है और सरकार ने अब तक इस बारे में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कुछ भी नहीं सोचा है। जी पंकज, अब सरकार आगे क्या करेगी, कैसे निपटेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा विपक्ष के लिए भी। देखिए, ये वाकई में ये एक बड़ी बात है कि इतने सालों से जो लंबी दिक्कत चली आ रही है कि ये जैसे ही नया आलू बाजार में आता है, पुराने आलू का खरीदार नहीं मिलता। अगर पुराने आलू का किसी दूसरे काम में अगर उपयोग हो जाए तो शायद किसानों की हालत वो ना हो। किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पाती है, आपको मैंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में रखने तक का भाड़ा नहीं होता है। तो वाकई में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं हाथरस से लेकर फरुखाबाद तक, वो योगी सरकार के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि इस पर अभी तो कोई फैसला हो नहीं पाया कि इसके कैसे निपटा जाए। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लखनऊ में आलूकांड से हिल गई है योगी सरकार, सीएम योगी के घर, विधानसभा और राजभवन के आगे लाखों क्विंटल आलू फेंक कर किसान चले गए। और लखनऊ में आखिर आलूकांड हुआ क्यों, ये भी हम आपको समझाते हैं। किसानों ने आखिर क्यों फेंका इतना आलू? किसानों को 4 रुपए किलो भाव मिलता है आलू पर और इसी से किसान नाराज हैं क्योंकि वो 10 रुपए किलो का भाव चाहते हैं, फिलहाल 4 रुपए मिलता है। पुराने आलू के भाव को लेकर तकरार है, ये जो दाम है ये पुराने आलू का है, बाजार में नया आलू आ चुका है और पुराने आलू के लिए बेहतर दाम चाहते हैं किसान। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।